हेलो, स्वागत है भाई फिर से आपका नई वीडियो में। भाई आज आपको हम एक 10 किलोवाट का न्यू मॉडल सिस्टम दिखाएंगे। यह है भाई फ्यूजियामा सोलर ध्रुवा। 10 किलोवाट का सिस्टम है 120 वोल्ट में। और भाई ये UTL का ही दूसरा मॉडल है, सेम उसी की तरह फीचर है, सेम वही है देखने में, उस जैसा ही है। सामने से लुक देखो इसकी, ये नया न्यू मॉडल निकाला दोस्तों। ये यहाँ पे इस पर एक डिस्प्ले दी गई है, जिसमें सारा डिस्प्ले का जो पैरामीटर है, जो सारा कुछ इसके अंदर बताएगा डिटेल, सोलर की जनरेशन वगैरह, लोड वगैरह सब बताएगा। और ये साइड में इंडिकेशन है दोस्तों, ये इन्वर्टर ऑन का है। यहाँ पे ये दो बत्ती बढ़ेंगी साथ में, सिस्टम ऑन वाली, इन्वर्टर ऑन वाली, जब ये इन्वर्टर बैटरी पर ऑन रहेगा और सोलर की चार्जिंग आएगी तो ये बत्ती आ जाएगी। CH ऑन मतलब सोलर चार्जिंग, और CH ऑन मतलब कि ग्रिड जैसे बिजली पे चार्ज करेगा। और ये फिर बैटरी हाई लो का इंडिकेशन है, अगर बत्ती टिप टिप करके जलेगी जैसे निशान है टिप टिप के, तो बैटरी हमारी लो हो जाएगी। अगर स्टैंड होके बढ़ेगी बत्ती, जैसे लंबी लाइन लगा दी, तो बैटरी हाई वोल्ट में चली जाती है जब कोई फॉल्ट वगैरह होता है। और ये आ गया ओवर हीट का, ओवर लोड का। ओवर हीट का होगा तो टिप टिप करके बत्ती जलेगी ये वाली, ओवर लोड का होगा तो स्टैंड होके बत्ती जलेगी। ये आ गया ग्रिड का अपना, मेन लाइट अगर लो आएगी तो टिप टिप करके बढ़ेगी या जलेगी, अगर मेन हाई आएगी तो स्टैंड होके जलेगी बत्ती। ये आ गया फ्रीक्वेंसी आउट का, ये फ्रीक्वेंसी आउट में टिप टिप करके जलेगी बत्ती। अगर कोई फॉल्ट होगा इसके अंदर, इंटरनल कोई फॉल्ट आ जाएगा कार्ड कूड में, या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो ये फॉल्ट वाली बत्ती आ जाएगी। और ये MPPT ये साइन बना रखा हीट होने का, जैसे टेम्परेचर का साइन है ये। अगर हमारा MPPT जो सोलर इसके अंदर काम करता है, MPPT सेक्शन है जो, वो हीट हो जाएगा तो ये बत्ती आ जाएगी। उसका हीट होने का कारण कई बार फ़ैन ख़राब हो जाता है इसका, तब भी ये हीट हो जाएगा, या इंटरनल कोई दिक्कत है, IGBT वगैरह शॉर्ट है, तब भी ये हीट हो जाएगा। और ये UTL का ही है, टोल फ्री नंबर भी UTL का ही। इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे भाई 85188885, इस नंबर पर आप टोल फ्री कंप्लेंट डाल सकते हो। तो इसके फीचर के बारे में बताऊंगा भाई। मैंने डिस्प्ले रोक रखी है, यहाँ पे 4 बटन दे रखे हैं, ये बटन ऑन ऑफ का है, यहाँ पे रीसेट लिखा हुआ है दोस्तों, ये रीसेट करने का नहीं है, ये ऑन ऑफ का है। कई ये सोचते हैं भाई सिस्टम यहाँ से रीसेट होता नहीं, ये रीसेट का नहीं है दोस्तों, ये इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। अभी मैं इसके डिस्प्ले की देखो आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा, मैं एक बार दबाऊंगा ये बटन, वैसा बेल बटन होता है, जैसे एक बार दबाओगे अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा। ये देखो अभी ये ऑफ हो गया, देखो सिस्टम हमारा, और जितनी बार दबाओगे उतनी बार ये बीप करेगा। अब मैं दोबारा इसको दबाता हूँ, बीप करेगा, सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा। ये देखो बीप करी, सिस्टम ऑन हो गया। तो ये ऑन ऑफ का बटन है, ये रीसेट का बटन नहीं है दोस्तों। रीसेट का मतलब ये है कि ये दबा के नहीं रखना दोस्तों, जैसे एक बार दबाओगे अपनी जगह पर अपने आप उल्टा आ जाएगा, ये मतलब है इसका। कई ये सोचते हैं कि सिस्टम रीसेट हो जाता है इससे, सिस्टम रीसेट नहीं होता इससे। और दोस्तों ये हमारा 4 कीपैड हैं जो सेटिंग सेट करने के लिए होते हैं, ये अप का है, ये डाउन का है, ये ओके का है, ये बैक का है। तो अभी मैंने डिस्प्ले इसकी होल्ड कर रखी है, आपने जैसे कोई इसका पैरामीटर देखना है डिस्प्ले, एक जगह रोक के देखना, तो इस बटन को एक बार दबाओगे लेफ़्ट वाले को तो डिस्प्ले रुक जाएगी, दूसरी बार दबाओगे तो ये निशान अटका है, डिस्प्ले चलने लगेगी। ये देखो मैं दोबारा इसको दबाता हूँ और ये निशान गया और डिस्प्ले अब चलने लगेगी, अलग अलग पैरामीटर दिखाएगी। ये देखो ये अलग अलग दिखा रही है, सोलर का आ गया, ये बैटरी का आ गया, ये आउटपुट का आ गया, ये ग्रिड का आ गया, ग्रिड 0 है, ये स्टेटस आ गया, इसमें सारा कुछ एकदम बता देगा। तो दोस्तों ये चीज़ रोक रोक कर देखने, तो आप इसको एक बार दबाओ ऐसे, यहाँ पे निशान आ जाएगा, डिस्प्ले रुक जाएगी। अब ये देखो सोलर की मैंने MCB डाल रखी है इसकी, तो सोलर की वोल्टेज भी 0 दिखा रहा है, यहाँ पे एम्पेयर भी 0 दिखा रहा है। अब इससे अगला पैरामीटर देखना, तो ये अप डाउन से हमने आगे लेके जाने पड़ेगी डिस्प्ले। ये देखो ये दबाया मैंने, ये स्टेटस आएगा, इसमें ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी दिखाएगा स्टेटस में, मैन नॉट अवेलेबल, बिजली की MCB मैंने डाल रखी है नहीं, इन्वर्टर ऑन हो रहा है हमारा, सोलर चार्जिंग ऑफ, सोलर भी मैंने बंद कर रखा है। तो ये 3-4 चीज़ यहाँ पे स्टेटस में इकट्ठा दिखाएगा, अलग अलग देखनी है तो आगे चलो, दोबारा फिर इस बटन को दबाओ। ये आ गया ग्रिड, ग्रिड की वोल्टेज देखो, यहाँ पे ग्रिड की वोल्टेज दिखाएगा, लाइट मेन लाइट कितनी आ रही है, 0 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा देगा, 0 फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे लोड दिखाएगा भाई ग्रिड से कितना लोड इस पर, मतलब कितनी लाइट ये कंजप्शन कर रहा है हमारा, ग्रिड से कितनी लाइट ले रहा है, यहाँ पे एम्पेयर आ जाएगी। इससे अगला दोस्तों दिखाता हूँ, यह आ गया आउटपुट का, आउटपुट दे रहा है 220, यहाँ पे लोड बताएगा कितना लोड चल रहा है इस पर, यहाँ पे एम्पेयर शो करेगा, ऊपर वाला एम्पेयर है, नीचे वाला एम्पेयर के वाट बना देगा साथ के साथ। ये देखो अभी इस पे लोड नहीं है, यह इसका अपना खुद का लोड है जो 7 0.7 दिखा रहा है, 155 वाट, क्योंकि सिस्टम ऑन है, ये अपनी खुद की कंजप्शन है इसकी। जब इस पे कोई लोड चलेगा तो यहाँ पे लोड बढ़ता रहेगा, ऊपर एम्पेयर बढ़ते रहेंगे, एम्पेयर के साथ वाट बना देगा। तो इससे आगे चलता हूँ दोस्तों, यह आ गया हमारी बैटरी, 10 बैटरी लग रही है हमारी, ये 134.7 वोल्ट है बैटरी में,
और जब दोस्तों ये चार्ज होएगा तो ये प्लस वाला यहाँ पे प्लस में एम्पेयर चलेंगे, 0.0 है ना, यहाँ पे प्लस एम्पेयर आ जाएंगे 10-12 जब ये चार्ज होगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो यहाँ माइनस में एम्पेयर चलते रहेंगे, जैसे 1.2 एम्पेयर से अब डिस्चार्ज हो रही है क्योंकि इन्वर्टर हमारा अभी भी ऑन है इस पर, तो ये डिस्चार्ज वाले एम्पेयर अभी दिखा रहा है, चार्ज वाले अभी ये दिखा नहीं रहा है क्योंकि चार्जिंग इसकी ग्रिड की भी बंद है, सोलर की भी बंद है। तो इससे आगे चलते हैं दोस्तों, ये सोलर मैंने आपको बता ही दिया था, सोलर इसका ये भी बंद है। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके डिस्प्ले के पैरामीटर। अब इसमें तीन मोड होते हैं दोस्तों, हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड, स्मार्ट मोड। वो मोड कैसे लगाने हैं दोस्तों, सेटिंग कैसे करनी है, उसके लिए आपको ये राइट दबाना पड़ेगा एक बार, ऐसे सेटिंग खुल जाएगी इसकी। ये सेटिंग आ गई, नीचे ले आओ, नीचे वाले बटन से ऐसे एक बार दबाओगे सेटिंग में, फिर दोबारा ओके करोगे, ये आ गया दोस्तों। पीसीयू यूजर सेटिंग में आना हमने, फिर ओके करना है। ये आ गया दोस्तों ग्रिड चार्जर, पहला नंबर अनेबल। अनेबल का मतलब भी ग्रिड पे ये चार्ज करेगा, अगर इसको डिसेबल कर दोगे आप नीचे लेके ऐसे और ओके का निशान दबा दोगे ऐसे, तो ये बिजली तो पकड़ेगा, मेन पकड़ लेगा लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। तो ये होगा ग्रिड चार्जिंग बंद चालू करने का ऑप्शन, डिसेबल अनेबल। तो अगर हमने डिसेबल रखनी है, सोलर पे ही यूज़ करना है तो डिसेबल रखो, जैसे ही लाइट आएगी मैन ही यहाँ पे शो कर देगा लेकिन मैन पे चार्ज नहीं करेगा, लोड को सारे को बाईपास कर देगा ये, तो ये ऑप्शन है दोस्तों। तो हम इसको दोबारा अनेबल कर देते हैं, ओके कर दिया मैंने। अब बैक आता हूँ दोस्तों मैं, दो नंबर ये आ गया आईटी लोड। ये आईटी लोड डिसेबल पे ही रखना दोस्तों, एनेबल पे नहीं रखना, ये ठीक है। ये तीन नंबर आ गया दोस्तों ऑपरेशन मोड, इसमें हमारे तीन मोड खुलेंगे, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड। अभी ये स्मार्ट मोड पे लगा हुआ है। स्मार्ट मोड पे क्या करेगा, ये दिन में जैसे धूप निकलेगी लाइट को छोड़ देगा, सोलर पे काम करेगा, और जैसे शाम को धूप जाएगी तो लाइट को ले लेगा, सोलर जाने के बाद अपने आप ही मैन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका स्मार्ट मोड का तो मतलब है ये दोस्तों। फिर ये हमारा इसके अप डाउन से नीचे ले आएंगे इसको, ये होगा हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड पे क्या करेगा दोस्तों, दिन में सोलर है चाहे लाइट है तो ये मैन पकड़ा रहेगा, लोड को मैन पे चलाएगा और बैटरी को सोलर से चार्ज करेगा। अगर सोलर से भी पूरी चार्ज नहीं हो रही बैटरी, तो जितना सोलर आया हुआ है अगर उसमें बैटरी के एम्पियर पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, अगर जो बचेगा एक या दो एम्पियर जैसे ज़रूरत है चार्जिंग के लिए तो वो लाइट से ले लेगा। अगर सोलर से ही पूरा है तो लाइट से कोई एम्पियर नहीं लेगा, बैटरी को सोलर से चार्ज करता रहेगा, लेकिन जो लोड हमारा चल रहा है वो सारा पावर पे चलाएगा। ये इसका हाइब्रिड मोड का मतलब ये है। फिर तीसरा मोड दोस्तों इसमें पीसीयू मोड। पीसीयू मोड पे क्या करेगा, ये सबसे पहले सोलर यूज़ करेगा, सोलर जाने के बाद बैटरी को यूज़ करेगा, और बैटरी जब 50% रह जाएंगे दोस्तों फिर ये ग्रिड लाइट पे मैन पे शिफ्ट हो जाएगा और बैटरी को चार्ज करने लगेगा और लोड को हमारा मैन पे जोड़ देगा। ये पीसीयू मोड है दोस्तों। ये तीन मोड है, और जो सा भी मोड लगाना दोस्तों ऊपर नीचे करने के ये बटन है दो, जैसे नीचे ऊपर ले आके और राइट दबा देंगे, जैसे अब ये पीसीयू मोड पे एरो का निशान है, पीसीयू पे लगाएंगे तो ये दबा दो, ऐसे आवाज़ करेगा और स्टार का निशान बन जाएगा, तो अभी ये पीसीयू मोड पे काम करेगा। और दोस्तों दोबारा हमने स्मार्ट पर लगाना, तो स्मार्ट पर ले जाओ इसको और दोबारा से ओके का बटन दबा दो, स्मार्ट पर लग गया। ये तीन मोड है दोस्तों इसके, ये सेटिंग है दोस्तों इसकी, कस्टमर के लिए यही सेटिंग होती है दोस्तों। और एक इंटरनल सेटिंग भी होती है इसकी, वो मैकेनिक या कंपनी के इंजीनियर के लिए होती है दोस्तों। वो सेटिंग्स मैं आपको इस पर नहीं बता पाऊँगा, अगर वो सेटिंग्स के लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके बताना, तब मैं बता पाऊँगा। 10 kW का सिस्टम है, फ्यूजियामा सोलर ध्रुवा, UTL का ही बनाया हुआ है दोस्तों। UTL के दो नाम से, एक तो UTL के नाम से आता ही है, अभी फ्यूजियामा के नाम से भी सिस्टम हमारे कंपनी ने इसने लॉन्च कर दिए हैं, सभी मॉडल इसमें बना रखे हैं दोस्तों, पैनल भी हैं फ्यूजियामा के। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इसके बैक साइड मैंने आपको दिखाई नहीं है दोस्तों, बैक साइड भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बैक साइड से भी हम अपनी पावर को ऑन कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम होगी, लाइट आई हुई है मैन हमारी और हमने लोड सारा मैन पे चलाना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो हमारी रोटरी है, ये जो चोंच का निशान है, दो नंबर पे कर दो, जैसे लाइट रहोगी तो लोड हमारा लाइट पे चलता रहोगा, इन्वर्टर से कोई मतलब नहीं है इसने। और जैसे जीरो पे कर दोगे तो आउटपुट इसकी बिल्कुल बंद हो जाएगी, लाइट वाली भी इन्वर्टर वाली भी। अगर हमारा इन्वर्टर सही काम कर रहा है तो इसको हम एक पे रखेंगे यहाँ पे, ये अब एक पे रहेगा यहाँ पे, सोलर टाइम पे सोलर पे बैकअप देता रहेगा, ग्रिड आएगी तो ग्रिड बाईपास करके यहाँ से जाता रहेगा, ये उस कंडीशन में जब हमारा सिस्टम ओके वर्किंग है। और पीछे इसमें MCB दी गई है दोस्तों, यहाँ पे ये इनपुट की है, ये आउटपुट की है दोस्तों, ये डबल है, ये इनपुट की है जो लाइट 220 इसमें जाएगी, ये आउटपुट की है, ये हमारी बैटरी की MCB है, ये हमारी सोलर की MCB है दोस्तों,
और जब हमने रीसेट करना दोस्तों, तो ये रीसेट आगे से नहीं होता, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, वो ऑन ऑफ का स्विच है। रीसेट करने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले इसका सोलर बंद करना होता है, ये सोलर की MCB है, पहले सोलर की MCB बंद करनी है और फिर ये इनपुट की MCB बंद करनी है दोस्तों, और सबसे लास्ट में बैटरी की MCB बंद होगी। जब हमारा सिस्टम पूरा बंद हो जाता है तो दोबारा ऑन करने के लिए दोस्तों हमने MCB नहीं उठानी इसमें, डायरेक्ट ये स्विच दे रखा है इसमें रीसेट स्विच, ये देखो इस पर लिखा हुआ भी है दोस्तों, प्रेस पुश बटन स्विच फॉर 10 या 20 सेकेंड LED ग्लो। जैसे इसको 10 सेकंड तक आप दबाओगे LED की डिस्प्ले में, LED की लाइट जल जाएगी, मतलब डिस्प्ले जल जाएगी, और तुरंत डिस्प्ले जलते ही बैटरी पे ऑन कर दो, पहले बैटरी पे ऑन करते फिर चाहे सोलर उठा दो चाहे मैन उठा दो, इस तरह से ये ऑन करना है दोस्तों, तो ये रीसेट हो जाएगा। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।